राधा अष्टमी पौराणिक व्रत कथा। राधा श्री कृष्ण के साथ गोकुल में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोकुल में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी ब्राजा के साथ गोकुल में विहार कर रहे थे। राधा जी यह सुनकर क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगी। यह देखकर कान्हा के मित्र श्री धामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर राजा वहां से नदी रूप में चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने श्री धामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा के श्राप के कारण ही श्री धामा ने शंखचूर्ण राक्षस के रूप में जन्म लिया। वहीं राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने ब्रजवाणी जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा ब्रजवाणी जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। अब श्री धामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दिया। तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और ब्रजवाणी जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहां आपका विवाह रामायण नामक एक वीरे से होगा। रामायण मेरा ही अंश अवतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिय बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें बिछोह का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। संसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहां देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। धन्यवाद।